सबसे पहले तो हमने जब आपका पोस्टर देखा जिसके अंदर लिखा है ब्रदर्स बियॉन्ड द बॉर्डर्स, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म होने वाली है? सबसे पहले तो ब्रदर्स यानी कि सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान का नाम सबके ध्यान में आता है, तो आप इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए किस तरह का किरदार निभाने वाले हैं आप तीनों, आपसे शुरुआत करते हैं संदीप। देखिए, ध्यान इंडिया पाकिस्तान का बिल्कुल आता है। जो फिल्म का कॉन्टेक्स्ट है वो यस, इट्स अ इंडिया पाकिस्तान फिल्म, इट्स अ इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप के ऊपर, इंडिया पाकिस्तान लव, द रिलेशनशिप बियॉन्ड बॉर्डर्स। बट इट्स अ सेंस कैन बी ट्रू फॉर एनी फ्रेंडशिप विच इज़ बियॉन्ड द बॉर्डर्स, बिकॉज हम सब जानते हैं कि दोस्ती हो या प्यार हो, वो कोई भी आप उसको दो बॉर्डर्स के बीच में समेट के नहीं रख सकते हो, या फिर दो रिलीजन के बीच में नहीं रख सकते हो। इट्स मच मोर, इट्स बियॉन्ड दैट। सो यू एक्चुअली कांट, यू नो, कंस्ट्रेन द फ्रेंडशिप विद इन द पॉलिटिकल बॉर्डर्स। सो या इशिता, आपके किरदार के बारे में बताइए, और फिरंगी में भी हमने आपको उस एसेंस में देखा था, एक इनोसेंट गर्ल, और इसमें भी एक इनोसेंट गर्ल जैसे हमने ट्रेलर में देखा, तो थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में बताइए और क्या कहेंगे। सो मेरे कैरेक्टर का नाम है ज़ैना, एंड येस, इट लुक्स लाइक वेरी सिमिलर टू द लुक आई हैड इन फिरंगी, बट जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अलग है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। ज़ैना एक सिंगल मदर है, सो इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग अ मदर, एंड इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन हर, शी इज़ समवन हु इज़ वेरी अपसेट विथ हर लाइफ। कुछ लोग होते हैं ना अपने ज़िंदगी से खुश नहीं होते, बिकॉज सिचुएशंस ऐसी है दैट शी इज़ ट्रैप्ड समवेयर विद द चाइल्ड, तो शी लव्स द चाइल्ड अलॉट, बट एक कहीं ना कहीं एक गुस्सा उस पर भी निकलता है, शी हैज़ नोबडी टू शेयर हर थाट्स विद, सो शी इज़ वेरी कन्फ्लिक्टेड, लाइक शी इज़ नॉट अ नेगेटिव पर्सन, शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, बट सिचुएशंस ऐसी है उसके अराउंड दैट शी इज़ ऑलवेज वेरी एंग्री विथ हर सेल्फ, विथ अदर्स अराउंड। सो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, दैट इज़ वाई आई लाइक द कैरेक्टर, एंड ऑफकोर्स ओवरऑल फिल्म का कॉन्सेप्ट आई लाइक, बट आई लव माई कैरेक्टर फर्स्टली बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट, समथिंग आई हैव नॉट प्लेड, एंड एक बहुत ही यू नो, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मैनेज इट, कि वो नेगेटिव ना लगे, इट यू नो, टू शोकेस की वाई एम आई एंग्री, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट इट, बिकॉज वंस यू सी द फिल्म यू नो वाई आई एम लाइक दैट, एंड देन शी मीट्स समर एंड हाउ धीरे धीरे शी कम्स आउट ऑफ इट, शी ट्राइज टू इंटरेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम विद समबडी हुम शी डजंट नो, सो इट्स हर जर्नी, द एंटायर फिल्म इट्स हर जर्नी, एंड देन अगेन समथिंग हैपन्स, एंड जो दो स्टेप उसने आगे लिए थे शी गोज बैक 5 स्टेप्स, सो इट्स हर स्ट्रगल टू कम आउट ऑफ दैट with the child and her relationship with the kid. So it's a beautiful character, and I have done my best, and I hope people like it. So yeah, that's about my character. Preparation kitna kiya tha, kyunki aap married ho lekin bachcha nahi aapko. Married to abhi hu, when I shot I was not married. And yes, we had to prepare a lot. Firstly, jo the language that she speaks is very different. The way she talks is very different. I speak very fast and she's not like that. So here I get credit to Manav sir, Manav Bhalla, who's our director. We had a lot of workshops before. काफ़ी सारा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ व्हेन आई केम इन, सो यू नो आई गेव माय इनपुट्स एंड मानव सर सेड ओके वी कैन ऐड दिस, सो धीरे धीरे आई थिंक वी मेड द कैरेक्टर, इवेंचुअली वी गॉट टू अ पॉइंट वेर वी सेड ओके दिस इज हु ज़ैना इज एंड दिस इज हाउ यू शुड पुट रे हर, एंड येस अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क डिड गो इन टू इट, लाइक यू सेड आई डोंट हैव अ चाइल्ड, एंड लाइक आई सेड इसका रिलेशनशिप विद द चाइल्ड इज नॉट नॉर्मल जैसा होता है एक मदर सन का, इट्स वेरी डिफरेंट। The son was amazing. He was really, really cute. And Jason, I have Jason, to say, Jason was amazing. Like, जब हम लोग शूट नहीं कर रहे होते थे, he was like naughty and playing and all over. But when he's we would start shooting, yeah, he was so professional and I was so surprised ki a child so young can understand so much. So it was good. And I think he made it much more easier for he's me. He's the same now, who was in Bajirao. Yes, yes. Yeah, you'll yeah, see yeah. him in so many ads and he's done so much work. राइट, आपसे जानना चाहेंगे, आपको पद्मावत में देखा था लोगों ने, काफ़ी इम्प्रेस किया आपने लोगों को, क्या कहना चाहेंगे उसमें, मतलब छोटे से किरदार ने भी बहुत ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस किया था, इस फिल्म का किरदार के बारे में बताइए, और कैसा एक्सपीरियंस रहा था पद्मावत के बाद, कैसे लाइफ चेंज हुई, अगर उस बारे में कुछ बताया। जी, पद्मावत में जब मैं काम कर रहा था उस दौरान मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, संजय लीला भंसाली मुझे डायरेक्ट कर रहे थे, इतने नामचीन आर्टिस्टों के साथ मैं काम कर रहा था, तो अपने आप में एक वो एक्सपोजर है, एक एक्सपीरियंस है। रही बात लश्तम पश्तम की, तो मेरा किरदार फाहद है, और जिस तरह मैं किसी किरदार को अप्रोच करता हूँ, मैं उसे दो या तीन ट्रेट्स देता हूँ और फिर उसके इर्द गिर्द खेलता हूँ, यू नो, डायरेक्टर राइटर उनका विजन, आई ट्राई माय बेस्ट टू ब्रिंग इट ऑन स्क्रीन। सो इसको जो मैं ट्रेट्स देता हूँ फाहद को, कि वो बहुत ही रिस्ट्रेंट है, सो ही इज़ वेरी इंटरनलाइज्ड, अगर आपने ट्रेलर देखा होगा सब लोग बहुत इमोशनल हैं, पैशनेट हैं, एक्साइटेड हैं, बट दिस गाय इज़ होल्डिंग बैक ऑल द टाइम, दैट मेक्स हिम very attractive to me when I read the script.
ऊपर से द अदर ट्रेट्स इज़ यू नो ही इज़ डैमेज्ड बिकॉज़ ही लॉस्ट हिज फादर वेरी अर्ली ऑन यू नो इन हिज चाइल्डहुड एंड उनकी एक आखिरी ख्वाहिश है जो वो पूरी नहीं कर पाया है तो वो बात भी उसको एक हद तक बहुत सताती है. तो यही है मेरे किरदार के बारे में. और जैसा कि इश्ता ने कहा, हम सब ने बहुत मेहनत से काम किया है, बहुत शिद्दत से काम किया है, तो आशा कर रहे हैं कि आपको पसंद आएगा. आपने टेलीविजन में भी काम किया है, बड़े पर्दे पर आप कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस महसूस करते हैं दोनों जगह पर? जी, डिफरेंस तो बहुत है दोनों मीडियम्स में. अगर आप टीवी करते हैं तो आपके पास वक्त नहीं होता, वक्त की बहुत पाबंदी होती है, टेलीकास्ट की डेडलाइन होती है, तो बहुत जल्दी 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 आपको काम करना पड़ता है. फिल्म में थोड़ा तसल्ली से काम होता है, यू नो मिनान से काम करते हैं, मज़े से काम करते हैं. तो एक आर्टिस्ट को भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपने आप पर काम करने के लिए ज़्यादा वक्त मिलता है. तो दोनों मीडियम्स अपने आप में अच्छे हैं. हर मीडियम की अपनी खूबसूरती होती है और हर मीडियम के अपने ड्रॉबैक्स भी होते हैं. राइट. समर, आपसे जानना चाहूँगा, ओम पुरी जी के साथ आपके बहुत सारे मतलब इसके अंदर सीन्स देखने मिलेंगे हमें, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ और कितना प्राउड फील करते हैं कि ये उनकी लास्ट फिल्म है और आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला? मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ यार. पहली बात तो मुझे वो मौका मिला, इट्स लाइक मोर देन अ ड्रीम कम ट्रू. अब तक मैंने सिर्फ उनको देखा था पिक्चरों में बचपन से लेके अब तक, नॉट जस्ट मी, मेरे फैमिली ने. इस बार ही मौका मिला और बहुत 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 अच्छा लगा. ही इज़ ट्रूली अ लेजेंड इन सो मेनी वेज, नॉट जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग, बट जिस तरह के वो इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अपनापन करके. मेरे को अभी भी याद है मेरा पहला दिन शूट का था उनके साथ और आई वॉज़ इन माई वैनिटी गेटिंग रेडी, आई वॉज डूइंग माई लाइन्स प्रॉपरली, की यू नो कि मैं कहीं फंबल ना करूँ, कुछ भूल ना जाऊँ. तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर आके मेरी वैनिटी में नॉक करते, कह रहे ओम पुरी सर आपसे मिलना चाहते हैं. तो मैंने कहा ठीक है यार, ऐसा क्या हो गया, पत्नी लाइन्स करनी होगी या क्या करना होगा. तो मैं गया, उनका जो पहला चीज़ उन्होंने मेरे को बोला कि होर पुत्र की हालचाल. आई डोंट नो उनको कैसे पता चला कि मैं पंजाबी हूँ, आई थिंक शायद से उन्होंने मानव सर से पूछ लिया होगा. तो तब से लेके जब तक हमारी शूट ख़त्म नहीं हुई वो मुझसे पंजाबी में बात करते थे, एज इन ऑफ कैमरा ऑफ, और बहुत अपनापन दिखा के, यू नो वो पुत्र करके मेरे को समझाते थे, विच मेड मी सो कम्फर्टेबल वाइल आई वाज वर्किंग विद हिम, कि ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इतने बड़े दिग्गज के साथ काम कर रहा हूँ. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही यूज टू गिव मी सो मेनी ट्रिक्स, यू नो सो मेनी टिप्स कि ऐसे कर ले, यू नो हाउ टू इंटरनलाइज माई कैरेक्टर टू ब्रिंग आउट द राइट इमोशन. और अगर आपने देखा हो ट्रेलर तो हमने बहुत इंटेंस सीन्स शूट किया बहुत. हाँ, तो जस्ट बिकॉज ही हैड अ टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर दैट केप्ट द एटमॉस्फेयर ऑन सेट वेरी लाइट एंड हैप्पी. कि हम सब यू नो इतना इंटेंस सीन शूट करके आए, सब बड़े सीरियस है, उन्होंने आके एक जोक क्रैक किया और चलो जी सब हंस रहे हैं वहाँ पे. तो यू नो बहुत मतलब कि आई स्टिल कैन बिलीव कि हम उनके बारे में आज यहाँ बैठ के, आई वॉज एक्चुअली डबिंग विद हिम आई थिंक अ वीक बिफोर ही पास्ड अवे, एक्चुअली डबिंग विद हिम. सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज हम उनके बारे में यहाँ पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं. आई विश वो हमारे साथ होते यहाँ पे, बट आई तो विल फॉरएवर चेरिश द मेमोरीज ऑफ वर्किंग विद हिम. यार, कोई एक चीज जो उनके लाइफ से सीखी हो आपने, मतलब उनके साथ रह के? उनके साथ रह के उन्होंने मुझे यही सिखाया था कि जिस पल में अभी हम हैं उस पल की ताकत बहुत ज़्यादा है. सो जस्ट बी इन द प्रेजेंट, जस्ट बी इन द मोमेंट राइट नाउ, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. बहुत बहुत यू नो, और वो बातें जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं कहते थे, बड़े कैजुअल में कहते थे. और आप बाद में सोच रहे हो अच्छा उन्होंने ये बात कही, इतनी बड़ी बात इतनी कैजुअली कह दी. यू नो आप साथ बैठ के सीन्स कर रहे हो तो उन्होंने ऐसे रहकर, तो मतलब बहुत कैजुअली बड़े प्यार से उन्होंने एक बात बोल गई आपको. तो ये यार वो ये कहते कि बस अभी इसी मोमेंट में रहे, इसी पल में रहे, आगे की मत सोच, पीछे की मत सोच, चीज़ें अपने आप अच्छी होती जाएंगी. और या मैन इट्स जस्ट नॉट एन एक्टिंग एडवाइस, इट्स अ लाइफ टाइम एडवाइस आई थिंक व्हिच ही हैज गिवन मी. सो या एंड इट इज़ रियली हेल्पिंग मी आउट. सो इशिता, आप अपने फिल्मों का चुनाव कैसे करती है? जब भी कोई फिल्म करती है, मतलब किरदार, हर किरदार एक दूसरे से अलग होता है, तो आपका किरदार करने का मतलब किसी से सजेशन लेती है या फिर कैसे चुनाव करती है अपने किरदार? फर्स्टली तो ओवरऑल स्क्रिप्ट क्या है, व्हाट इज़ द स्टोरी कॉन्सेप्ट, एंड ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि मेरा उसमें क्या रोल है, व्हाट एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू द एंटायर स्क्रिप्ट. एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि वो थोड़ा अलग हो, सेम ना हो, क्योंकि आई जनरली बिकॉज द वे आई लुक आई जनरली गेट रोल्स जो थोड़े से सिंपल हो, स्वीट हो, बट नाउ आई एम कॉन्शियसली मेकिंग एन एफर्ट टू डू समथिंग अ लिटिल स्ट्रॉन्गर, अ लिटिल डिफरेंट. एंड ऑफकोर्स आई डिस्कस विद माई फैमिली, आई डिस्कस विद माई सिस्टर, एंड नाउ आई डिस्कस विद माई हस्बैंड वत्सल. एंड या एंड देन आई थिंक आई ऑल्सो गो विद द फीलिंग वैन आई मीट द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर. एक गट इंस्टिंक्ट आती है, बिकॉज यू कैन नेवर डिसाइड वॉट्स द फेट ऑफ द फिल्म, वॉट्स गोइंग टू हैपन टुमारो, यू डोंट नो. बट इट्स इंपॉर्टेंट टू वर्क विद पीपल हुम यू आर कंफर्टेबल विद,
who give you that space to kind of experiment a little with your character. So I see all that and I just go with the flow and I feel that, okay, I want to be a part of this film, and it's very instinctive. I just decide, then I don't think. Okay. आपसे जानना चाहूँगा, डायरेक्टर जो है उन्होंने एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ को, ब्रदरहुड जो है बाहर साइड जो है इंडिया पाकिस्तान के दोनों साथ में मिलकर रहते, तो क्या ब्रीफ मिला था सबसे पहले जब आपने साइन की फिल्म, और जैसे कि उन्होंने कहा था कि वो भी लाइफ मतलब वहाँ से कनेक्ट करते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप, वो भी दुबई से है, तो फिर आप कुछ बताएं उस बारे में। जी, जब मैं मानव सर से मिला था तो वी हैड अ लॉट इन कॉमन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो भी दुबई में रहते हैं, मैं भी मेलबर्न में 7-8 साल रहा हूँ, तो मेरे भी बहुत दोस्त हैं, यू नो, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, उसी तरह उनके भी बहुत सारे दोस्त थे फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आई मीन, मुझे याद है हमारे हॉस्टल में जब मैं मेलबर्न में पढ़ाई करता था, तो हम सब देसी हैं उनके लिए, डजंट मेक अ डिफरेंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, इंडियन, इट्स ऑल द सेम फॉर देम। तो यूज़ टू हैव अ क्रिकेट टीम, देसी वर्सेस ऑस्ट्रेलियंस, सो देयर इज सो मच ऑफ ब्रदरहुड लिटरली, बिकॉज़ एक कम्फर्ट लेवल होता है, यू नो, द कल्चर इज प्रीटी मच द सेम। So I completely get him. And the other thing also I had in common, that was the Brother Beyond Borders angle. But he had given up his corporate career. He had, you know, taken a break to make this film. I've done something similar. I was an accountant. But I had a tamasha wala scene in my life, if you know what I mean. So I was not very happy as an accountant. So I'd always find him on the same page, you know. अपने कहानी को लेके, किरदार को लेके, स्पेशली कि सर मुझे ये सीन ऐसे समझ आता है, कहते हैं हाँ हाँ मैं भी यही सोच रहा था। तो एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है मेरी उनके साथ, और इंशाल्लाह फिल्म के बाद भी बरकरार रहेगी। ऑन अ लाइटर नोट, जो है काफी सीरियस हो गया, तो कौन सबसे ज्यादा, आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड ऑन दैट कि यू नो वी ऑल आर वेरी पैशनेट अबाउट आवर वर्क, बट आई थिंक द वन पर्सन हु वाज द मोस्ट पैशनेट and who was who has the maximum conviction in his thing was our director Manav, yes, Bhalla. I agree. If this film you know has come so long aur wo itne bade level pe release ho rahi hai, uska shrey sirf ek insaan ko jata hai jo ki hamare director hai. He's a debutant director, lekin unke kaam se lagta nahi hai aisa. Aur so yeah, I think thank you so much Manav sir from all of us. Yes, we owe you a lot, man. We owe you a lot. Yeah. ओके, ऑन अ लाइटर नोट, कौन सबसे ज्यादा ऑन सेट मस्ती करता था? जैसे हमने देखा कि आप अभी जो है थोड़ा सा टाइम ले रहे थे, तो मेकअप के लिए कौन सबसे ज्यादा टाइम लेता था? नॉट मी फॉर श्योर, वो तो देख ही लिया आपने। नॉट मी फॉर श्योर, आई एम द गर्ल। नहीं, मेकअप के लिए इतना टाइम नहीं लेती थी, बट हाँ, सबसे ज्यादा मस्तीखोर, सबसे ज्यादा फनी। अरे, आई डोंट अंडरस्टैंड इशिता, हाउ डू यू डू इट, यू नो, इतना इंटेंस सीन करेगी, मतलब कि उसमें रो रही है, क्या कर रही है, इमीडिएटली कुछ खा रही है उसके बाद, और वो सबसे हंस के बात कर रही है, यू नो, विद हिम ही इज लाइक वेरी सीरियस, ही विल यू नो इंटरनलाइज द कैरेक्टर। वो आएगा सेट पे अपने म्यूजिक के साथ, ओके चलो सुन रहा है, यू नो, उसी जोन में है पूरा, एंड देन ऑफ कोर्स ही विल परफॉर्म रियली गुड, बट देन विद हर शी इज ऑल ओवर इट, मतलब कि हर एक से बात कर रही है प्यार से, हंस खेल के, सीन हुआ, एक्शन हुआ, चलो जी ये सीरियस मूड में है। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ शी डज दैट, मैन। I don't know, मैंने कभी नोटिस नहीं किया, यू आर टेलिंग मी नाउ आई नोटिस दिस, ओके आई डू टॉक दिस मीन, बट आई थिंक मस्ती दिस वन इज राइट नाउ ऐसे बहुत लग रहा है सीरियस एंड इंटेंस, बट दैट्स नॉट ट्रू, ही इज वेरी डिफरेंट, यू अग्री राइट? ऑफ कैमरा ही इज वेरी डिफरेंट, नाउ ही इज ट्राइंग टू बी ऑल लाइक सुपर कूल एंड आई एम सो सीरियस, लुक एट हिज पोजीशन, बट अदरवाइज द थिंग्स ही हैज डन इन दुबई, आई डोंट इवन नो व्हेदर आई शुड से दैट, बट no, so I shouldn't say that. But what happens in Dubai, you know, stays in Dubai. I used to mess makeup touch up kar rahi hu, and suddenly I see him. I'm not going to say what you did, but ye ja raha hai, and I am just like, what is he doing? You know, I used to be shocked ki kya kar raha hai. So he was like that. He was very funny in a very different way. And Samar is, of course, he loves talking and he's always interacting and talking. He used to play a lot with the kid. I think that's his Jason, nature. Yeah, Jason, yeah, yeah, ke saath, yeah, yeah. He's really, 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 man, yeah, he loves kids. So we could see I that think on anyone, set. Anyone would love him, yeah. Jason, yeah, he is like, very cute, like, of yeah, course. Yeah, but yeah, then, yeah, he was like normal. He would be talking and chilling and baat kar rahe, kuch kar rahe, kahin kha le rahe, something. But yeah, but I don't think so. I'm not masti khor. I don't think so. क्या बात कर रही है यार? I disagree. She's just trying to be modest right now, यार. Come on, we'll ask him. So much fun, we'll ask him. Vibhav Roy. मस्तीखोर. मेरे हिसाब से हमारे director काफी मस्तीखोर है. मतलब अभी भी हम पोस्टर शूट करने गए थे अपनी फिल्म का, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, पोस्टर शूट से ज़्यादा उनका पोर्टफोलियो हो रहा था। विभव ज़रा ये देख, लाइट से पड़ी है मेरे को, हाँ ये ज़रा लैपटॉप दियो, ज़रा थोड़ा नेचुरल लगना चाहिए। तो वो अपने आप में
इतनी खूबसूरत एनर्जी है उनकी जब वो सेट पे आते हैं, मतलब काम के टाइम काम, मस्ती के टाइम पे घनघोर मस्ती. बिल्कुल बिल्कुल. तो सेट का एटमॉस्फेयर उन्होंने इतना लाइट रखा, उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम नए हैं. वो भी खुद नए थे तो हम सब एक दूसरे को यू नो सपोर्ट कर रहे थे, प्रोत्साहन दे रहे थे. तो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम द टॉप, द कल्चर ऑन सेट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम द टॉप. क्योंकि हम में से विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई स्टार नहीं है, तो जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं वो डिक्टेट करते थे क्या एटमॉस्फेयर होगा. और जब वो इतनी खुशहाल, इतने प्यार से, उन्होंने आज तक पूरे फिल्म के दौरान मेरे सामने किसी पे नहीं चिल्लाया, किसी पे नहीं चिल्लाया, किसी पे नहीं चिल्लाया. जब आप नए आर्टिस्टों के साथ काम करते हैं आपकी पेशेंस बहुत टेस्ट होती है, बट ही नेवर लॉस्ट हिज पेशेंस. ही वॉज वेरी कूल, वेरी सपोर्टिव एंड वेरी इनकरेजिंग. एंड एज समर सेड, लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हिम. एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी वन, इट्स अ वन मैन शो. यू नो व्हेन एवरीवन्स एनर्जी वाज डाउन, ही वाज द ओनली पर्सन हु डिडंट गिव अप, केप्ट गोइंग एंड ही पुल्ड अस अलोंग. और पता, आज ये चीज़ हम बोल रहे हैं, बट द ये बात और इससे बहुत ज़्यादा ओमपुरी जी सर ने भी बोली है. अपने अपने उनका जो एक लास्ट एक छोटा सा इंटरव्यू था, आई थिंक विच इज स्टिल नॉट आउट, बट या ही हैज सेड अ लॉट अबाउट हिम. या तो लास्टली, फिल्म की यूएसपी क्या होने वाली है, लोगों को क्यों फिल्म देखनी चाहिए और कब रिलीज होने वाली है, अगर उस बारे में बताएं हमारी ऑडियंस. श्रीता, गो फॉर इट. लास्टम फर्स्टम इज रिलीजिंग ऑन द 10th ऑफ ऑगस्ट. गाइस, प्लीज गो एंड वॉच. इट्स अबाउट फ्रेंडशिप, इट्स अबाउट ब्रदरहुड, इट्स अबाउट फ्रेंडशिप बियॉन्ड बॉर्डर्स. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट. द म्यूजिक इज एक्सलेंट एंड द स्टोरी इज वेरी वेरी स्वीट एंड सिंपल. And now, the boys. And the release date couldn't be more ideal, because it's right between Friendship Day and Independence Day. And both these days resonate big time with our film. Dosti hai, bhaichara hai film ke andar. Saath mein, it's patriotic as well. But at the same time, I'd like to point out, it's not overly patriotic. It's not taking sides between India and Pakistan. It's by no means jingoistic. Though, beautiful story of love and friendship. And not a better day to watch it on the 10th of August, right in between all the madness and the love. I think इन लोगों ने सब कुछ बोल दिया यार, और मैं क्या बोलूँ यार. यही है कि यार, यस यार, बिल्कुल, कि आप दोस्ती को यू नो, बॉर्डर्स कांट डिफाइन योर फ्रेंडशिप, रिलीजन कांट डिफाइन योर फ्रेंडशिप और लव. सो या, इट इज़ मच मोर बियॉन्ड दैट. इट्स लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम इज सेलिब्रेटिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड. सो या, गो गाइज, वॉच इट, यू विल लव इट, यू विल जेन्युइनली लव इट यार. आपको बहुत मज़ा आएगा. सब लोग जो जो दिल से प्यार करते हैं, जो दिल से दोस्ती करते हैं, यू कुड फील इट, यू नो, यू कुड सेंस इट, यू कुड रिलेट टू इट, कि यस, दिस इज अस मैन, वी आर जस्ट लाइक देम. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. थ्री ऑफ यू, यू आर वॉचिंग बॉलीवुड फ्लैश. ओके सर, थैंक यू.